कल 2 दिन कराची में गुजारे और अपने गैजेट्स वगैरह लिए, चीजें पूरी की फॉर बलोचिस्तान ट्रिप। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। सफ़र बलूचिस्तान का जारी है। रात मेरी गवादर में गुजरी और आज जो है मैं अपने सफ़र का आगाज़ कर रहा हूँ। पहला पड़ाव गंस बीच पर होगा, उसके बाद मैं जीवानी बीच जाऊँगा, देन आई विल गो टू 250 ईरान बॉर्डर, उसका नाम 250 है। वहाँ से मैं होता हुआ तुरबत जाऊँगा, तुरबत से पंजगोर, पंजगोर से बसीमा, बसीमा से खारान, देन मुश्की, एंड देन फाइनली आई विल गो टू क्वेटा। और आई होप आप मेरी वीडियो इंजॉय कर रहे होंगे। उन लोगों के लिए जिन्होंने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी, प्लीज़ उसको वॉच करें और डू सब्सक्राइब माई चैनल और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएँ ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ के बारे में अपडेट्स मिलती रहें। दोस्तों इस वक्त मैं गंस बीच की तरफ रवा दवा हूँ। गंस बीच का ये वो रास्ता है और गंस बीच वो जगह है जहाँ पे अलेक्जेंडर दी ग्रेट का शिप आकर लगा था, और कहने में सुनने में आता है कि वहाँ पे उसका शिप डैमेज हुआ था और वो आया था गवात्रे। गवात्रे एक जगह है ईरान में। सो बाकी बातें आपसे गंस बीच पर होंगी। तो इस वक्त मैं बीच पर खड़ा हूँ। इस जगह का नाम है गंस। गंस वो जगह है जहाँ सिकंदर आजम का शिप आकर लगा था और ये यहीं पे उसको प्रॉब्लम्स भी आए थे। सो आप ये देखिए, इट्स अ ब्यूटीफुल बीच। पीछे हमारे घर हैं, घर भी आप देख सकते हैं ये सारे। आधे घंटे का रास्ता है, यू कैन से 12 to 15 किलोमीटर्स। इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस। सो अब तक इतना ही, खुश रहे, मुस्कुराते रहे, अगली बातें जूनी पे। पहली दफ़ा ऐसे देखा है कि चाय को कवर करके दिया ताकि इसमें रेत ना जाए। और ये गंस पे, ये भाई साहब आपका नाम अली भाई, यहाँ के इंचार्ज हैं, इनका छोटा सा रेस्टोरेंट है और लुक वेरी नाइस। थैंक यू सो मच अली भाई, आई विल एंजॉय। ये लिफाफा उतार लीजिएगा, लेट्स हैव अ सिप। वाओ, हॉट एंड डिलीशियस। इस वक्त मैं गंज से निकल चुका हूँ और गंज पे बहुत मज़ा आया। वहाँ पे एक लोकल रेस्टोरेंट भी था, लोग बहुत फ्रेंडली थे। और बस अब मेरा रुख जो है जीवानी बीच की तरफ है। जीवानी का बीच और ये सनसेट की बेस्ट जगह है। कहा जाता है कि दुनिया का बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट सनसेट इज ओवर हियर। और आप पानी का कलर भी देख सकते हैं, पानी की छाल। वाओ, beautiful. Rana on road, Jiwani ka beach, sunset point, one of the best sunset point in the world. Khair, ye bhi sunset time nahi hai, mere Rekhi ka time hai, to sunset time shaam ko hota hai na hai. Aap dekhiye kitna khoobsurat hai. Maine pehli dafa dekha hai samundar ke several colors. You can see ye
कल एक कलर है, पीछे एक लाइट ग्रीन है, फिर पीछे ब्लू है, बीच में डार्क ग्रीन है। इट्स अ ब्यूटीफुल व्यू और किड्स आर एंजॉयिंग ओवर है। ये सारी बोट्स हैं और आप जो बोट्स अंदर देखते हैं खड़ी हुई वो वुडन की है। ये जो बाहर खड़ी है फाइबर है, तो वुडन हैवी बोट होती है, वो फिर साइड में नहीं आ सकती, इसलिए उनको दरिया में समुंदर में ही खड़ा कर दिया जाता है। मैं अब जिवानी से निकला हूँ और मेरा रुख है 250 ईरान बॉर्डर की तरफ। अब आपसे मुलाकात वहाँ पे जाके होगी। मैं इस वक्त 250 ईरान बॉर्डर पे पहुँच चुका हूँ। बहुत तेज़ आवाज़ चल रही है, लू चल रही है, बहुत सख्त गर्मी है, तो वॉइस रिकॉर्ड करने में प्रॉब्लम आ रही थी। मैंने कहा क्यों ना वॉइस ओवर दे दिया जाए। सो ये ईरान का बॉर्डर अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, लेकिन यहाँ से टाइल्स आती हैं, ईरान से सीमेंट आता है, ऑयल आता है, और बहुत ही प्यारी जगह। यहाँ एक छोटा सा रेस्टोरेंट भी है, अभी मैं आपको वो भी दिखाऊंगा, जो यहाँ पे मज़दूर काम करते हैं उनके लिए बना हुआ है। बॉर्डर 250 इस जगह का नाम है, और यहाँ पे गरम गरम रोटियाँ लग रही हैं, और जो लोग यहाँ पे काम करते हैं वो खाने के इंतज़ार में। यहाँ पे गुड्स ईरान से आती हैं, ईरान जाती हैं, और अभी बॉर्डर तैयार हो रहा है, बट ये वो रेस्टोरेंट है जहाँ पे सब आके खाना खाते हैं। आई एम सो हैप्पी, मैं यहाँ आके बड़ा खुश हुआ। लोग बहुत प्यार करने वाले, बड़े अखलाक वाले, और गर्म गर्म रोटियाँ लगाने वाले। ईरान बॉर्डर रुक गया और यहाँ का यहाँ खाना खा लिया जाए, और खाने में है ये मटर, पुणे में मटर, और साथ ही है अंडा और चने। इट्स अ डिलीशियस फूड। लेट्स एंजॉय अंडा, चने एंड मटर एट ईरान बॉर्डर। यहाँ पे एक चीज़ आपको बताते चलूँ, इधर ईरान बॉर्डर पे यू फोन चलता है। यू फोन पे लोग नेट यूज़ करते हैं, दे आर यूजिंग नेट ओवर देयर। सो एडवाइज है कि जो लोग भी इधर आए तो यू फोन की सेम लेके आए। जब हम 16 तारीख को उर्मारा रुके थे, तो फिर हम उस दिन निकले थे 17 को ग्वादर के लिए, और फिर हम पसनी से होके ग्वादर आए थे, और ग्वादर से हम लोग आगे जुनी गए, और अब पहले हम गंज गए, फिर जुनी गए, और हम वापस गए। तो ये ज़ीरो पॉइंट है, ये ज़ीरो पॉइंट जो है ये यहाँ से फिर अब हम राइट टर्न करेंगे। पहले हमने लेफ्ट टर्न किया था ग्वादर के लिए, फिर अब यहाँ से हम राइट टर्न करेंगे। आपको मैं दिखाता हूँ जिधर हमने जाना है। ये सामने रोड है और हम फिर इस तरफ जाएंगे। सो अब तक इतना ही। अभी ये तुर्बत यहाँ से तकरीबन 1.25 घंटे का रास्ता है, 80 किलोमीटर्स। सो लेट्स मीट इन तुर्बत नाउ। अच्छा सफ़र रहा कल, हमने कोई 6-7 घंटे 8 घंटे लगाए, तो हम ग्वादर फिर हम विजिट करने भी आए। सो अभी मेरा पहला पड़ाव होगा पंचकोर, लेकिन अभी मैं इधर एक मीरान किला, किला का किला है वो देखने जा रहा हूँ, और वो भी बड़ी नाइस थी, बड़ा पूरा बन है। अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं कोई प्रॉब्लम। दोस्तों तुर्बत के पास एक कलात है, कलात किले को कहा जाता है, मैं उसकी तरफ जा रहा हूँ, और वहाँ जाके मैं आपको उसके बारे में बताऊँगा। इस वक्त मैं मीरी जगह पे खड़ा हूँ जो तुर्बत के पास है, और शाहजहाँ साहब मेरे साथ हैं। ये वो जगह है जिसको यहाँ का किला कहा जाता है, यहाँ पे रहने के आसार हैं। तो इनसे पूछते हैं कि कौन लोग यहाँ रहते थे और ये कब कितना पुराना है। जी सर, अभी हम खड़े हैं मीरी में, ठीक है, 10 किलोमीटर दूर तुर्बत से। जो ये किला है ये बहुत पुराना, 2 साल पुराना का किला है। 200 साल? जी 200 साल पुराना का है। और इधर के जो लोग हैं बाशिंदे हैं मीरी के, वो अक्सर वो हैं जो दरजादा कहते हैं उसको। दरजादा कौन कौम थी? जी दरजादा दर से आया है। अच्छा, ईरान से माइग्रेट करके आए। माइग्रेट करके आए, ओके। लेकिन है बहादुर कौम, और क्या कहते हैं काम वाला, मेहनती कौन, मेहनती कौन, ओके।
तो अब जो है इसको मतलब ये किसकी जगह है, ये यहाँ के लोकल्स की जगह है या इसको कौन ओन करता है? ये तो है लोकल की जगह, ओन तो कोई नहीं करते, बस लोग आते हैं फोटो खींचते हैं फिर वापस चले जाते हैं। इस वक्त मैं तुरबत से निकला हूँ और पंचगोर की तरफ रवाना हुआ हूँ। तकरीबन 200 से ज़्यादा किलोमीटर्स का सफ़र है और रफली 4 घंटे लगेंगे। रास्ते में जहाँ पे भी मैंने स्टॉप किया तो मैं आपको रास्ते के रेस्टोरेंट से आगाही देता रहूँगा। और इतनी सख्त गर्मी है, हम लाहौर में अक्सर जोक करते होते हैं कि जब बहुत गर्मी हो और भाग के अंदर आए तो कहते हैं क्या हुआ यार बाहर सर्दी बहुत है। तो बस ये हालात है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फाइन एंड डूइंग वेल एंड एंजॉयिंग। सी यू एट नेक्स्ट स्टॉप। हम ये बलूची रेस्टोरेंट में रुके हैं, यहाँ चाय बन रही है और ये देखें लोग गर्म पानी इसमें डाल रहे हैं, मेकिंग इट चीप फॉर अस। वाह, जबरदस्त। स्थान में पानी और पानी की वजह से आप देख सकते हैं यहाँ पर शेपर्ड वाले हैं और ये सब बकरियाँ और बकरे। वाव, कैटेगरी की जगह है तो सोचा कि यहाँ पे स्टॉप किया जाए और काफ़ी सफ़र हो गया 4 घंटे का और खाना खाया जाए। सो कैटेगरी की जगह पे गोश्त और भिंडी। वाह, गोश्त और भिंडी और प्लस गरम गरम रोटी और खाना। वाह, वेरी डिलीशियस। अभी मैं खाना खाता हूँ, लेट मी बाकी बातें बाद में होंगी। दोस्तों मेरी मुलाकात हुई नूर मोहम्मद साहब के साथ, ये कैटेगरी का होटल है, ये इसके मालिक हैं, बड़े प्यारे इंसान। और मुझे पता क्या खुशी हुई, जिन्होंने पहचान लिया, जिन्होंने कहा आप फिरता है दूसरे शहरों में जाता है मोटरसाइकिल पर फिरता है, हमने आपको यूट्यूब पर देखा है फेसबुक पर देखा है। सो आई वॉज सो हैप्पी कि अभी मैं बाइक पर नहीं, अभी मैं कार पर हूँ, लेकिन ट्रिप कर रहा हूँ बलूचिस्तान का कि हम सब्जी मटेरियल्स कैसे ला सकते हैं। सो नूर मोहम्मद साहब थैंक यू वेरी मच, आपका खाना बहुत मज़ेदार था, एक बहुत ज़बरदस्त मेहमान नवाज। सो अल्लाह ने खुश रखे, खुश रहे, मुस्कुराते रहें, पाकिस्तान जिंदाबाद। वी आर एंटरिंग इन पंचगोर सिटी और ये है पंचगोर सिटी का रास्ता, चलें। पंचगुर के बाजार में से गुजर रहे हैं और खुदा बदान के लिए हमने जाना है, इधर किला और टूम्स वगैरह हैं और पुराना डैम भी है।
बात है, जैसे ही दोस्तों हम खरान के रास्ते पर हैं और मेरी ट्रक पर अचानक नज़र पड़ी और मुझे ऐसे लगा कि जैसे ट्रक फंसा हुआ है। जब मैं ऊपर चढ़ा तो देखा कि एक बड़ा प्यारा सा सीन है, ट्रक पर फल लोड हो रहा है और बच्चे और बड़े मिलकर सब लोड कर रहे हैं। तो मैंने कहा क्यों ना इनसे गप लगाई जाए और इनकी हौसला अफजाई की जाए, और इनके साथ बड़ा मज़ा आया, बड़ी अच्छी बातें हुई। तो फिर आखिर में मेरा दिल किया मैं भी अपनी वीडियो बनाऊँ और बच्चों के साथ लोड करूँ, तो और उन्होंने भी वेलकम किया, तो यकीन करें बहुत ही अच्छा लगा। विलेज लाइफ का कोई नेमल बदल नहीं है, बड़े फ्रेंडली लोग होते हैं, बड़ी मोहब्बत करने वाले लोग होते हैं और बड़ा प्यार करने वाले लोग होते हैं। खुश रहें और ये मुस्कुराते रहें हमेशा। तो इनके साथ बड़ा मजा आया, उधर उनके साथ अपलोडिंग की तो उन्होंने हमें ये तोहफे में दे दिया। जब हम खरान फोर्ट की तरफ जा रहे हैं फिर हमें वापस ही आना होगा नुश्की के लिए इसी रोड पे, और फिर आगे से हम लेफ्ट साइड पे जाएंगे। दोस्तों ये कलात खरान
चांस। और वो भी इस रोड पे, तो मैंने कहा क्यों ना को केस किया जाए। कैसे आप? और मुझे इतना अच्छा लगा कि ये गाड़ी में कुल्फी बेच रहे हैं। तो क्या करें? कौन कितने वाला कुल्फी है आपके पास? 50 वाला है, 30 वाला है, 40 वाला। बस मुझे आप 50 वाला कुल्फी खिला के। ये है जी खोए वाली कुल्फी। खोए वाली वाव, गरम गरम सहरा में ठंडी ठंडी कुल्फी, कुल्फी खाई बड़ा मज़ा आया। अब मैं क्वेटा की तरफ रवा दवा हूँ और सिटी में ठहरूँगा। आप मुझे उम्मीद है कि आपको मेरे ये एपिसोड पसंद आएगा, और जिन्होंने पहले दो एपिसोड नहीं देखे वो उसको ज़रूर देखें, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पे राना ऑन रोड, बेल आइकॉन को दबाइए, और ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहे। दोस्तों हम क्वेटा एंटर हो रहे हैं, यहाँ पे आप ब्रिज देखने आए हैं। वेलकम टू क्वेटा। वाओ, नाउ वी आर एंटरिंग क्वेटा। आज बड़ा अच्छा सफ़र रहा। हम बिस्मा से निकले थे और फिर हमने खरान विजिट किया, नुस्की विजिट किया, और फिर हम इधर आ गए। थोड़ा लेट हो गए लेकिन बहुत अच्छा सफ़र गुजरा। सिर्फ आज का मिसअप ये था कि एसी ने काम करना छोड़ दिया, गर्मी बहुत थी, लेकिन गुजारा तो करना था। यही लोगों को मैसेज है कि गर्मी सर्दी आपके मिशन को नहीं रोक सकती। बहुत मज़ा आया जब यहाँ पहुँचे तो होटल सर्च किए, तो फिर ये फारान होटल में हम ठहरे हुए हैं। इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस, वेरी चीप एंड नीट एंड क्लीन। सिंगल रूम 1000 रुपीज़ का है, डबल रूम 1600 का है, ट्रिपल रूम 2200 रुपये का है। दे हैव वन प्राइस बट दे हैव वेरी कोऑपरेटिव स्टाफ। बहुत मज़ा आया, एसी की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ी। सो मैं ये कहूँगा खुश रहे, मुस्कुराते रहे। कल हमने इंशाल्लाह ज़ियारत की तरफ जाएंगे, कायदे आज़म की रेजिडेंसी को देखने के लिए, और फिर बाकी बातें आपसे कल शाम को होंगी। मैं बस ये कहूँगा खुश रहे, मुस्कुराते रहे, और क्वेटा में जो प्यार मिला उसकी इंतहा। हाँ, मैं एक बात कोट करता चलूँ। जब हमने उधर जा रहे थे हारान, 37 किलोमीटर पहले चाय के लिए रुके, चाय पी, बड़े मज़े से गाड़ी में बैठे, चल पड़े। जब हम कोई 50 मीटर गए तो एहसास हुआ हमने तो पैसे नहीं दिए। वापस मुड़े, उनके पास आए, पैसे देने लगे, तो पता है वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं आप हमारे मेहमान हैं, जाएं। यकीन करें बलूचिस्तान का जो प्यार है ना, इसका कोई नियम मिला नहीं। बस खुश रहे, मुस्कुराते रहे। अब तक इतना ही, बाकी बातें कल होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।